शाहपुर चुनाव आयुक्त ने भेजी जांच कमेटी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से आज समाजवादी पार्टी एक डेलीगेशन भेजकर उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त से जिला प्रशासन के लिए कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी। उनकी इस शिकायत पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक जांच कमेटी गठित की, जिसमें कमिश्नर मुरादाबाद मंडल और आईटीजी मुरादाबाद से मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। यह जांच कमेटी रामपुर पहुंची और लोगों के बयान दर्ज किए। रामपुर में उर्द गेट गिराने जाने और फिर आजम खान के ट्रस्ट जोहर ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे रामपुर पब्लिक स्कूल के भवन को खाली कराकर सरकारी यूनानी अस्पताल को कब्जा सौंपने जैसी कार्रवाइयों से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के रामपुर में कायम दबदबे को ठेस पहुंची। अभी तक किसी भी अधिकारी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन नवागत डीएम आंजनेय कुमार ने आनन फानन में कई बड़ी कार्रवाई कर डाली। उनकी इन कार्रवाइयों के खिलाफ रामपुर में विरोध प्रदर्शन भी हुए। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक डेलीगेशन भेजकर उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की। जिला प्रशासन जानबूझकर आजम खान को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई कर रहा है। उनकी इस शिकायत पर मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश श्री वेंकटेश्वर लू ने एक कमेटी गठित कर ली और इस मामले की जांच करके रिपोर्ट मांगी। जांच करने पहुंचे कमिश्नर मुरादाबाद श्री यशवंत राव और आई जी मुरादाबाद श्री रमित शर्मा रामपुर पहुंचे और शिकायतकर्ताओं से बयान दर्ज किए। माननीय चुनाव आयुक्त ने हमें और आई जी मुरादाबाद को पत्र के माध्यम से एक शिकायती पत्र समाजवादी पार्टी का भेजा है और इस पत्र में जो प्रार्थना पत्र लगे हैं उनकी जांच करना, जांच के कौन कौन से पहलू हैं उनको देखना और देखने के बाद चुनाव आयुक्त को अपनी संयुक्त रिपोर्ट भेजना, इसी उद्देश्य से हम लोग यहां पे आए हैं। अभी तक जितने प्रतिनिधिमंडल आए उनको सुना गया, अभी कुछ लोग बाहर खड़े हैं उनको भी सुनना शेष है। सारे जनता की चीजों को सुनने के बाद जो इससे संबंधित पत्रावलियां हैं, जो कार्यवाहियां हैं, वो कैसे कैसे हुई, कब कब हुई, इनको देखने के बाद ही किसी सम्यक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है और उस सम्यक निष्कर्ष में जो चीज आएगी उसके हिसाब से चुनाव आयुक्त को रिपोर्ट दी जाएगी। क्या शिकायत थी इनके समाजवादी वालों? शिकायत के तीन चार बिंदु महत्वपूर्ण है कि सरकारी धन से उर्दू गेट बना तो इसे आनन फानन में गैर कानूनी कार्रवाई करके तोड़ा गया, एक बिंदु ये है। दूसरा बिंदु ये है कि जो जनता में एक भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है जिससे चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, और तीसरा बिंदु है कि माननीय विधायक श्री आजम खान को जीवन भय है, उन्हें सुरक्षा दी जाए। तो काफी गंभीर नेचर के हैं, तो क्या ये आपके जांच के बारे में अधिकारियों का वो आता है उनका उनकी जांच कर रहे हैं या फैक्चुअल करो यार? नहीं, कोई भी जांच होती है तो वो निष्पक्ष जांच होती है जिसमें जनता की भी सुनी जाएगी, सरकारी अभिलेखों को भी देखा जाएगा और यदि अधिकारी अपना बात कहे उनकी बात भी सुनी जाएगी
तभी सम्यक निष्कर्ष निकलेगा कि क्या क्या कार्रवाई सही थी, क्या क्या कार्रवाई गलत थी, क्या सही है क्या गलत है। जांच रिपोर्ट कब तक पूरी हो जाएगी? अभी तक तो मैं आपके सामने ही हूँ, आधे बयान हुए हैं। अच्छा, लगभग तीन घंटे आपको करीब क्या कहते हैं समस्या सुनते हुए हो गए हैं, तो अभी तक जो है प्रथम दृष्टया क्या निकल के आ रहा है? आपने अभी तक तो जितने लोग मिले वो एक पार्टी विशेष के ही विभिन्न तरह के संगठन मिले हैं। कौन सी पार्टी विशेष के? अभी आप लोग भी जानते हैं, आप लोग अच्छी तरह पहचानते होंगे। मुझे तो नाम तो नहीं मालूम ना। मुझे तो कागज देखने पड़ेंगे। अच्छा, अगर उसमें कोई इंडिविजुअल या किसी अन्य पार्टी, मैंने तो अखबार में इसकी सूचना दी है कि जिस किसी को भी जो कुछ कहना है वो आवे डाक बंगले पे, अपनी बात कहे, मैं उसकी बात सुनूंगा। अच्छा।